अजमेर की रामगंज थाने में पास स्नैचिंग की वारदात सामने आई है, जिसे लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़ित की शिकायत पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। रामगंज थाने के एएसआई राजू लाल ने बताया कि तोपड़दा क्षेत्र की रहने वाली नेहा अपने परिजनों के साथ रामगंज चुंगी की तरफ आई थी। इसी बीच 12 अगस्त को दो बाइक सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके बैग को छीन लिया गया और आरोपी मौके से फरार हो गए। इस बैग में दो मोबाइल, सोने की अंगूठी, चांदी की पायजेब और 3,000 की नकदी रखी थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। नेहा शर्मा है, निवासी तोपगड़ा। ये दिनांक 12/8 को चुंगी नाका की तरफ से जा रही थी अपने रिश्तेदारों के साथ में। उस समय मोटरसाइकिल पे दो लड़के पीछे से आके इसका बैग छीन के ले गए। बैग के अंदर दो तो मोबाइल थे, बच्ची के पायजेब की जोड़ी थी, सोने की अंगूठी और 3,000 रुपये नकद होना बताया है, छीन के ले गए। यह घटना धारा 382 IPS में दर्ज किया गया है। इनके द्वारा SHO द्वारा श्री गोपाल जी ASI साहब द्वारा किया जा रहा है। आपका नाम? राजू लाल ASI, पुलिस थाना रामगंज।